दोस्तों, राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल राजस्थान के जैसलमेर में रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया है, जिसका उद्देश्य लड़कियों को शिक्षित करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। दोस्तों, यह स्कूल दुनिया भर से तारीफें बटोर रहा है। स्कूल के डिजाइन से लेकर यहाँ पढ़ने वाले छात्राओं की यूनिफॉर्म तक हर एक चीज बेहद ही खास है। वैसे तो स्कूल का नाम राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल है, लेकिन इसे ज्ञान केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत CITTA फाउंडेशन ने की थी, जिसके तहत लड़कियों को शिक्षा दी जाती है, साथ ही महिलाओं को रोजगार की स्किल सिखाई जाती है। रेगिस्तान के बीच बसा यह स्कूल 22 बीघा जमीन में फैला है। दोस्तों, ये 22 बीघा जमीन सूर्य ग्रह पैलेस होटल के मालिक मानवेंद्र सिंह शेखावत ने दिया है, जो CITTA फाउंडेशन इंडिया के निर्देशक के तौर पर जुड़े थे। दोस्तों, यह स्कूल को तैयार करने के लिए जैसलमेर के शाही परिवार चैतन्य राज सिंह और राजेश्वरी राज लक्ष्मी ने भी सहयोग दिया है। स्कूल में 400 लड़कियां पढ़ सकती है और इसे किंडरगार्टन से लेकर कक्षा 10वीं तक की शिक्षा देने के लिए निर्मित किया गया। स्कूल को न्यूयॉर्क के डायना कैलोंग ने डिजाइन किया है। दोस्तों, यह स्कूल की खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी एसी नहीं है या कोई भी इलेक्ट्रिक फैन नहीं है। स्कूल को इस तरह डिजाइन किया गया है। रेगिस्तान में स्कूल है, लेकिन यहाँ पर गर्मी जरा भी नहीं लगती। दोस्तों, यहाँ की जो छात्रा है वो जो ड्रेस पहनती है उसे मशहूर डिजाइनर साव्यसाची मुखर्जी ने डिजाइन किया है। वही इसकी वेबसाइट पर इससे जुड़ी कई बातें बताई गई है। दोस्तों, स्कूल जैसलमेर में ही क्यों बनाया गया है, तो इसके बारे में बताया गया है कि राजस्थान भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, जहां पुरुषों की साक्षरता दर 79.19 है और महिलाओं की 52.66 है। यानी मुख्य उद्देश्य महिला साक्षरता दर को बढ़ाना है। दोस्तों, इस राज्य की 80% जनसंख्या जैसलमेर जैसे ग्रामीण इलाकों में रहती है, जहां महिलाओं की साक्षरता दर 32% तक कम है और यह महिलाएं मुख्य रूप से घर पर रहकर घरेलू काम करती है। अलावा यहां बड़ी संख्या में बाल विवाह होता है, जिसके कारण बहुत कम लड़कियों को पढ़ाई करने का मौका मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो राजा वाला फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।